दोस्तों मैं पंकज और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल पंकज इलेक्ट्रिक ब्लॉग। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो लुमिनस इकोवोल्ट पर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों मेरे पास एक लुमिनस इकोवोल्ट का इन्वर्टर आया हुआ है। तो दोस्तों इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम क्या है कि इसका मॉस्फेट शॉर्ट हो चुका है। और दोस्तों इसके मॉस्फेट में डालने से पहले आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें एमरॉन का पीसीबी भी आप अच्छी तरह से चला सकते हैं या किसी भी साइन वेव इन्वर्टर का पीसीबी आप इसमें लगाएंगे। तो मेरे पास एमरॉन का पीसीबी है, मैं इसमें एमरॉन का पीसीबी इंस्टॉल करके पहले आपको दिखाऊंगा, वो भी अच्छी तरह पूरा वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ये पीसीबी क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस तरह के इन्वर्टर का कार्ड हर किसी इलेक्ट्रीशियन से रिपेयर नहीं होता। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन लेकर आया हूँ और ये ना ही ये कार्ड इतनी जल्दी अरेंज हो पाता है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई भी साइन वेव का पीसीबी है इस तरह का एमरॉन का या सुकैम का भी इसमें अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एमरॉन का पीसीबी आप इसमें किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो केवल ट्रायल वीडियो है, मैं केवल आपको दिखाने के लिए ही चला रहा हूँ, क्योंकि मैं परमानेंट फिक्स नहीं करूँगा। मैं इस पीसीबी को रिपेयर कर सकता हूँ तो मैं इसे रिपेयर कर लूँगा, मॉस्फेट वगैरह चेंज कर लूँगा। और ये मैंने एमरॉन का पीसीबी ले लिया है और टेम्परेरी कनेक्शन इधर कर लिए हैं और ये फीडबैक का कनेक्शन है इधर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें एमरॉन का पीसीबी लगाने के लिए केवल इसके ये जो TX की आउटपुट होती है वो इस्तेमाल करूँगा और ये फीडबैक, और बाकी ये कनेक्शन मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं इसे टेम्परेरी वैसे ही चला कर देखने वाला हूँ, परमानेंट के लिए फिक्स नहीं कर रहा। और यदि आपको फिक्स करना है तो आप इसे कर भी सकते हैं, बहुत अच्छी तरह वर्क भी करेगा ये, लुमिनस से भी शायद ज़्यादा बेहतर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आपको ये यूज़ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसके AC के आउटपुट के कनेक्शन अच्छे तरह से कर लेता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जैक बना लिया है, इसमें इनपुट वगैरह मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन फीडबैक वगैरह के आउटपुट के लिए मतलब मैंने यही केवल कनेक्शन किए हुए हैं, और मैं अब ये इसके HC पर टाइट कर दूंगा अच्छी तरह से। लो तो दोस्तों मैं अभी मैं इसे टाइट करता हूं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैं अपने लिए टेम्परेरी बनाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। यदि आप चाहें तो आपके पास कोई PCB यदि अरेंज इसका आप नहीं कर सकते तो आप इस तरह से कोई भी PCB इसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से वर्क भी करेगा। मेरा खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो दोस्तों मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये वीडियो, क्योंकि जो भी मैं आपके वीडियो दिखाता हूँ या बताता हूँ कोई भी कॉन्टेंट वो मैं अपना यूज़ किया हुआ ही बताता हूँ, वैसे ही किसी का कॉपी किया हुआ नहीं बताता। बैटरी के कनेक्ट मैंने कर लिया है, और दोस्तों मैं इसमें फ्रंट जो लगाऊंगा वो एमरॉन का ही लगाकर चेक करने वाला हूं, क्योंकि मैं इसे परमानेंट फिक्स नहीं कर रहा जो मैं इसकी कनेक्शन वगैरह कर दूं। और यदि आपको दोस्तों इसका LED वगैरह का डायग्राम चाहिए हो कनेक्शन का तो आप मुझे कनेक्ट करके बता सकते हैं, मैं वो आपको दे दूँगा। तो दोस्तों इन्वर्टर इसका ऑन हो चुका है और आउटपुट भी मैं आपको दिखा दूं, आउटपुट भी इसकी 200 वोल्ट बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं अच्छे तरह से, और ये इन्वर्टर इसका ऑन है। और अब मैं इसकी ये मेन कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं आपको। मेरा मेन भी बिल्कुल ओके चल रही है, चार्जिंग वगैरह सब कुछ बेहतरीन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।